चुनावी रैलियों का शोर थम गया, लाउड स्पीकर पर भाषण रुक गए, नेताओं के वादे इरादे निकल पड़े। लेकिन 21 साल की एक लड़की के घर वालों के आंसू न सूखे। एक होनहार लड़की, सपने देखने वाली बच्ची, वक्त से पहले ही खामोश हो गई और अब उसकी मौत बन गई है चुनावी मुद्दा। कि जो हादसा हुआ है, इन्हें नाम बताने पे, फोटो पहचानने पर ये अभी तक अरेस्ट नहीं किए गए, नहीं प्रशासन हमारे लिए कुछ कर रहा है, इतना सा दे रहा है, कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा। इस लड़की के घर वालों के लिए, उसके आसपास के इलाकों के लिए लोकतंत्र का ये जश्न बेमानी हो गया। लोग कह रहे हैं, आखिर हम क्यों डाले वोट? हमारी बच्ची को इंसाफ नहीं तो किसी भी नेता को वोट नहीं। जो वोट का बहिष्कार करेंगे हम, कोई भी वोट नहीं डालेगा। हमारे कम से कम 11 गांव है जी, हमारे राउंड फिगर में 11 गांव पड़ते हैं हमारे गवर्नमेंट के, 11 गांव का फैसला है जी। आखिर उस बच्ची को किसने मारा? लापरवाह टीचरों ने, संवेदनहीन सरकार ने, या ऐसे मुख्यमंत्री ने जो वोट छीनने के डर से इस लड़की की बेवक्त मौत पर 2 हफ्ते बाद चुप्पी तोड़ सके? दुर्भाग्य पर घटना हुई है, मेरे को खेद है इस बात का, और जो बच्ची गई है उसका अफसोस है। एक लड़की जिसने सपने देखे थे उज्जवल भविष्य, उसे इस सिस्टम की बेरुखी मार। उसके घर वाले हिसाब मांग रहे हैं, अपनी लाडली बिटिया के लिए चाहिए उन्हें इंसाफ। देखिए, बेटी के लिए चुनाव का बायकॉट। इंडिया 9 बजे में सबसे पहले आज ऋचा बात करेंगे पिंकी की, और बेटी बैलेट बॉयकॉट, ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबको सोचने को मजबूर करती है। अगर हम टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो हमें सोचने को मजबूर करती है। अगर हम स्टूडेंट हैं, तो भी बहुत कुछ हम इस पूरी बात से सीख सकते हैं। आखिर पिंकी का जो मुद्दा है वो इतना बड़ा क्यों बन गया, अभी आपको बताते हैं। बिल्कुल, और किस तरह से हरियाणा में चुनावी तूफान के बीच और ये तूफान खड़ा हो गया है। हरियाणा की एक बेटी ने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया। पढ़ाई में बहुत होनहार थी पिंकी, और उसके साथ नाइंसाफी हुई। उसे गलत नंबर, परीक्षा में जब उसका रिजल्ट आया तो उसे कम नंबर बताए गए, जबकि उसके नंबर उससे ज्यादा आए थे। 29 सितंबर को गुड़गांव के अपने कॉलेज में उसने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी। 11 अक्टूबर को पिंकी ने दम तोड़ दिया। अब उसके गांव और आसपास के गांव वालों ने ऐलान किया है कि जब तक पिंकी को इंसाफ नहीं मिलता, वो विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देंगे। और इन गांव वालों के साथ पिंकी के कॉलेज में जो उसके साथ पढ़ते थे, और बहुत सारे और लोग जो उसको नहीं जानते थे, वो भी उसके साथ उसको न्याय दिलाने के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए साथ में आ गए हैं। और आखिरकार गलती किसकी है, ये सब जानना चाहते हैं। और उनका यह भी कहना है कि पिंकी को आत्मदाह के लिए उकसाया गया, और उसके बयान देने के बावजूद अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पिंकी चौहान, हरियाणा में सरकार जागती, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार संवेदनशील होती तो शायद पिंकी महज 21 साल की उम्र में आंखें न बंद कर लेती। वो मरती नहीं, अपनी आंखों में सपने बुन रही होती। लेकिन उसके साथ ना तो सियासत ने और ना ही उसके कॉलेज के शिक्षकों ने नरमी बरती। 11 अक्टूबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पिंकी चौहान ने दम तोड़ दिया। वो 85% जली हुई हालत में अस्पताल में लाई गई थी। उसने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी, क्योंकि परीक्षा में उसके नंबर बेहद कम आए थे। वो चीख चीख कर कहती रही कि उसकी कॉपी फिर जांची जाए, उसके नंबर अच्छे हैं, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। सरकार से ये चाहता हूँ कि जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए और टर्मिनेट करना चाहिए। मेरे को लगा कि ये यूनिवर्सिटी की गलती है, कि जो मेरी सिस्टर पहले से ही टॉपर रही है वो अब आके फेल नहीं हो सकती। पिंकी होनहार थी। 10वीं क्लास में उसके 94% नंबर आए थे। 12वीं में पिंकी ने 85% नंबर हासिल किए थे। BSc फर्स्ट ईयर में भी उसे 70% नंबर मिले थे, लेकिन इस बार गणित में उसे महज 3 नंबर मिले थे। ऐसा उसके कॉलेज की कई छात्राओं के साथ भी हुआ था। मेरी बहन का मर्डर किया गया है
और प्री प्लान किया गया है, उसकी आवाज़ को दबाया गया है। वो 350 लड़कियों के हक की एक लड़ाई लड़ रही थी और इसी रंजिश के तहत उसको खत्म किया गया है। हैरत है कि जब पिंकी ने आग लगाई तब कॉलेज प्रशासन की नींद खुली। पिंकी की कॉपी जांची गई और उसे गणित में 60 नंबर मिले। हम बता दें कि कम नंबर होने की वजह से इसी कॉलेज की दो और छात्राओं ने भी जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन संवेदनहीनता की हद देखी। न कॉलेज प्रशासन ने न हुडा सरकार की तरफ से इन छात्रों को इंसाफ दिलाने की पहल शुरू हुई। आरोप ये भी है कि पिंकी को आग लगाने के बाद एम्बुलेंस में और फिर अस्पताल में भी टीचरों ने धमकाया, उसे चुप रहने के लिए कहा। हैरत है कि पिंकी के दो बार बयान देने के बावजूद किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जबकि सूत्रों का कहना है कि पिंकी ने एक महिला प्रोफेसर पर उसे आत्मदाह के लिए उकसाने का आरोप लगाया। अब पिंकी की मौत के बाद राज्य के मुखिया दुखी हैं। दुर्भाग्य पर घटना हुई है, मेरे को खेद है इस बात का, और जो बच्ची गई है उसका अफसोस है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों से विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन उन्हीं के राज्य में एक बेटी व्यवस्था की शिकार हो गई, संवेदनहीनता की शिकार हो गई। लेकिन अब पिंकी को इंसाफ दिलाने की लोगों ने मुहिम छेड़ दी है। पिंकी के गांव कासन समेत बास, अरियर और धाना गांव के लोगों ने पंचायत कर ऐलान किया कि जब तक कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती वो विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में वोट न देने का भी फैसला किया है। वोट का बहिष्कार करेंगे हम, कोई भी वोट नहीं डालेगा। हमारे 10-12 गांव के आदमी इकट्ठे हुए थे, हमारे कम से कम 11 गांव है जी, हमारे राउंड फिगर 11 गांव पड़ते हैं हमारे गांव के, 11 गांव का फैसला है जी। गांव वालों की मांग है कि 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर पिंकी की मौत की जांच की जाए। अगर प्रशासन और सरकार की नींद पहले ही खुली होती तो शायद पिंकी आज जिंदा होती। सवाल ये है कि आखिर कॉलेज ने पहले ही छात्राओं की गुहार क्यों नहीं सुनी? आखिर सरकार ने इस मामले में पहले ही दखल क्यों नहीं दी? दो बार बयान देने के बावजूद अब तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पिंकी चौहान की मौत से परिवार सदमे में है और गांव गुस्से में। इस मामले में पंचायत का फैसला है कि 24 घंटे के अंदर अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो न सिर्फ वो मताधिकार का बहिष्कार करेंगे बल्कि प्रशासन के खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। जाहिर है जिनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं उनकी सांसें जरूर अटक रही होंगी। कैमरामैन कमल देव के साथ रवि सिंह, मानेसर, IBN 7। वैसे कितनी हैरानी की बात है आकाश, कि किसी सब्जेक्ट में एक बच्चे को या स्टूडेंट को नंबर दिए जाते हैं कि शून्य मिला है और जब उसी की रीचेकिंग होती है, री इवैल्यूएशन होता है, तो पता चलता है कि 60 नंबर उसके दरअसल आए थे। बिल्कुल, और उसी बच्ची ने अपने ऊपर आग लगा ली। और चिंता की बात, अभी हम प्रोफेसर की बात कर रहे थे, अपने प्रोफेसर के पास जब वो गई उसने कहा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, आप अगर ठीक नहीं करेंगे तो उसने गुस्से में कहा मैं अपने आप को आग लगा लूंगी। तो बताइए जा रहा है स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि एक टीचर ने बाकायदा उसको माचिस की डिबिया थमा दी और कहा नाटक मत करो, लगा लो आग। यही ये ध्यान देने की जरूरत है, प्रोफेसर्स को पता होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा इतना डिस्टर्ब्ड है तो उसकी काउंसलिंग की जाए, ना कि उसकी तरफ माचिस की डिब्बी फेंक दी जाए। मानेसर के कासन गांव में हमारे साथ में पिंकी चौहान के घर वाले हैं और वो लोग भी हैं जो पंचायत में शामिल हुए थे। उन लोगों से बात करते हैं कि क्या फैसला किया गया है इस पंचायत में, क्या फैसला हुआ है इस पंचायत में। आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम दिनेश चौहान है और मैं पिंकी चौहान का कजिन ब्रादर हूँ। इस पंचायत में हमने चुनाव को अपने गांव से पूरी तरह से बहिष्कार करने का फैसला लिया है, जिसमें कि हमारे गांव की 36 बिरादरियाँ, जिनको कि हम संपूर्ण गाँव कहेंगे, 18 साल से अब के जितने भी युवा हैं, चाहे वो महिलाएँ हों या आदमी हों, सभी का एक मत है जब तक इस मामले में हमें न्याय मिलने की कोई भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तब तक हमने निर्णय लिया है कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। जी, हमारे साथ में पिंकी के पिता भी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप क्या मांग कर रहे हैं इस मामले में, किनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? ये खिलाफ जो गुहांड कर रहा है, काम कर रहा है, मैं इनके साथ हूँ। और ये भी है कि जो हादसा हुआ है, इन्हें नाम बताने पर, फोटो पहचानने पर ये अभी तक रेस्ट नहीं किए गए, नहीं प्रशासन हमारे लिए कुछ कर रहा है, इतना सा दे रहा है, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा। आपका नाम? अरुण चौहान।
अरुण ये बताइए कि कितने लोगों को आप दोषी मानते हैं? वो तो पुलिस वालों को पता है, हमारी बहन ने उसको फोटो के साथ और उसके नाम के साथ उन्हें पहचान लिया है, पुलिस वालों के पास पूरा रिकॉर्ड है, वो सब बता देगी, वो पुलिस को सब पता है। जी पुलिस को पता है, एक बार और फिर बात करेंगे। ये बताइए कि आप लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार क्यों किया? वोटिंग का बहिष्कार करने का निर्णय हमारा इसलिए है क्योंकि जिस दिन से ये हादसा हुआ है उस दिन से ना तो हमें कोई संतोषजनक जवाब सरकार प्रशासन या कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी नहीं मिला है और ना ही किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी या फिर कोई भी और नेता मंत्री कोई भी, हमने हर दरवाज़ा खटखटाया है, यहाँ तक कि हमने गृह मंत्री राजनाथ तक हमने जाके दरवाज़ा खटखटाया पर किसी से भी हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इसलिए हमने आखिरी निर्णय ये लिया है, जो हमारा मत का अधिकार है हम उस अधिकार को आज के टाइम में उपयोग करते हुए अपनी आवाज़ को वहाँ पहुँचाना चाहते हैं जहाँ लोग हमारी आवाज़ सुन सकें। हमारी बहन के मुद्दे को नीचे दबाते हुए जितना भी प्रशासन है सब इलेक्शन के चक्कर में लगे, उनको फ़ोन करते हैं तो कहते हैं हम इलेक्शन में बिजी हैं, हमारे से आप बाद में बात करिए। आपके रिपोर्टर भी अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने भी फ़ोन करा, उन्होंने भी यही बोला है कि हम पिंकी के मैटर में बाद में बात करेंगे, पहले हम इलेक्शन मीटिंग में बिजी हैं। क्या आगे एक पहला आप लोगों ने जो डिसीजन लिया है कि वोट नहीं डालेंगे, क्या आंदोलन भी करेंगे इसके अलावा? आंदोलन करने का अभी ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं है लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हम आंदोलन भी करेंगे। जो हमारी बेटी के साथ हुआ है वो ना तो कोई सुसाइड केस है और ना ही इसको हम कुछ और कह सकते हैं। मैं सीधा सीधा प्रशासन को, जो कॉलेज प्रशासन है उसको सीधा सीधा मर्डर क्लेम करता हूँ। मेरी बहन का मर्डर किया गया है और प्री प्लान किया गया है, उसकी आवाज़ को दबाया गया है, वो 350 लड़कियों के हक की एक लड़ाई लड़ रही थी और इसी रंजिश के तहत उसको ख़त्म किया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो कॉलेज प्रशासन सामने आए और सफाई दे और पुलिस भी इस जांच में जो भी सबूत अभी तक पुलिस के पास हैं, साक्ष्य हैं, उनको पब्लिक के सामने जाहिर करे ताकि हम उसको मर्डर क्लेम ना करें। जी तो निश्चित तौर पर प्रशासन से भी डिमांड है, मांग है, पुलिस से भी मांग है कि उस कॉलेज प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो और इसके लिए 24 घंटे का समय भी दिया गया है। इस 24 घंटे के अंदर अगर सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन ये लोग अपने मतों का प्रयोग नहीं करेंगे। कैमरामैन कमलदेव के साथ रवि सिंह मानेसर, IBN 7।